शक्तिमान में सब एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी है उसमें, तो उससे ज़्यादा पावर्स क्या हो सकते हैं। हमने तो बहुत लिमिटेड यूज़ किया है, बट कॉन्सेप्ट वाइज तो उसमें इतनी एनर्जी है कि एवेंजर्स का कोई भी हीरो परास्त नहीं कर सकता। आज की वीडियो होने वाली है इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्यों शक्तिमान के साथ उड़ने पर चक्कर नहीं आते। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको आई बटन में मैं दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आखिर क्यों शक्तिमान के साथ उड़ने पर चक्कर नहीं आते। लेकिन उस वीडियो में जो भी मैंने बात कही थी वो मैंने आपको बताया था कि वो एक थ्योरी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ के ऊपर कोई भी ऑफिशियल आंसर कन्फर्म नहीं है, जो कि अब कन्फर्म हो चुका है, जो कि ये है कि उनको भी इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जितना उन्होंने सोचा था वो मैं आपको बताता हूँ। उनके ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग शक्तिमान किसी को भी अपने साथ उड़ा के कैसे ले जाता है और उसके साथ घूमने वाले को चक्कर क्यों नहीं आते, वो इसलिए क्योंकि शक्तिमान उसको अपने साथ घुमाता नहीं है, बल्कि वो सभी के इर्द गिर्द घूमता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटर में कोई व्यक्ति है और शक्तिमान उसके साइडों में गोल 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 घूम रहा है, यानी कि वो उस इंसान को पकड़े हुए नहीं है। अगर वो उसको पकड़े हुए ही नहीं है तो वो घूमेगा कैसे, और अगर घूमेगा ही नहीं तो उसको चक्कर भी कैसे आएंगे। सुनने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। चलो इसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अगर शक्तिमान इतनी स्पीड से किसी भी इंसान के इर्द गिर्द घूमेगा तो वहाँ की जो एयर होगी वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अंदर घेरे के अंदर जो भी होगा उसके लिए वहाँ पर खड़ा रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन सांस लेना भी बहुत ही टफ हो जाएगा उसके लिए वहाँ पर रहना। सांस लेने के साथ और भी कई सारे फोर्सेस उन लोगों के ऊपर एक्ट करेंगी। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो उस सिचुएशन के अंदर ज़िंदा रहना काफ़ी मुश्किल है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमने शक्तिमान को घूमते हुए देखा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियोज़ में इसका आंसर दिया था कि क्यों शक्तिमान घूमते घूमते गायब नहीं होता, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जैसा कि फ़ैन होता है। फ़ैन के जो विंग्स होते हैं वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूँगा। तो सेकंड प्रॉब्लम इस थ्योरी के साथ ये है कि अगर शक्तिमान इतनी स्पीड से उनके अराउंड घूमेगा तो हमें शक्तिमान वहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतनी जितनी स्पीड शक्तिमान की बढ़ती जाएगी वो उतना ही ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, और इन द एंड हमें वो दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ एक घूमने की आवाज़ आएगी और कुछ नहीं। लेकिन हमने देखा है शक्तिमान को घूमते हुए कि वो एक जगह पर खड़े होकर ही गोल गोल घूमता है, ना कि किसी इंसान के अराउंड घूमता है, और इस चीज़ को क्रिश 3 मूवी में बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसलिए ये थ्योरी शक्तिमान के घूमने के ऊपर बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव नहीं है, और उनके अकॉर्डिंग गोल गोल घूम के ही वो किसी को अपने साथ उड़ा के ले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उड़ने के लिए हमें लिफ्ट चाहिए, जो कि किसी के अराउंड घूम के किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि उड़ने के लिए लिफ्ट चाहिए। हेलीकॉप्टर उड़ता है क्योंकि वो अपने विंग्स से ऊपर की हवा को नीचे की ओर धकेलता है। तो बजाय इसके कि शक्तिमान घूम घूम के वहाँ पर मोशन क्रिएट करे, हम सभी को पता है कि शक्तिमान चीज़ों को हवा में उड़ा सकता है, तो वो आराम से किसी को भी हवा में उठा के ले जा सकता है। तो ये तो ऑफिशियल आंसर मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या ना होने के यहाँ पे चांस हैं। तो जो मैंने आपको पहले कहा था कि क्यों शक्तिमान के साथ उड़ने पर चक्कर नहीं आते, वो अभी भी मेरे को ठीक लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन भी देना चाहता हूँ, जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं कहा था। वो ये है, अगर शक्तिमान लाइट की स्पीड के आसपास घूमा तो जो भी उसके साथ घूम रहा होगा उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, जो कि टाइम डायलेशन की इक्वेशन है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कि सर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी है कि जैसे जैसे कोई चीज़ लाइट की स्पीड के पास जाती जाएगी उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तो भले ही शक्तिमान किसी जगह पहुँचने के लिए अगर मान ले कि 1 मिनट लगा रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए टाइम सिर्फ 5 या 10 सेकेंड ही हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। बाय द वे इसके लिए एक इक्वेशन भी है जिससे आप पूरी तरह से अच्छे से निकाल सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए कितना टाइम डायलेट हुआ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताई। तो अब क्वेश्चन उठता है कि उस वीडियो में मैंने आपको ऐसा क्यों नहीं बताया। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि शक्तिमान लाइट की स्पीड जितना घूमता है। ये पॉइंट नोट कीजिए, हम ये नहीं बोल रहे कि वो नहीं घूम सकता, लेकिन वो नॉर्मली इतनी स्पीड से नहीं घूमता है, और अगर वो इतनी स्पीड से नहीं घूमेगा तो किसी के लिए भी टाइम स्लो नहीं होगा। तो इसको टैकल करने के लिए शक्तिमान के पास और भी कई सारे रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता हमने आपको बताया था, जो कि बहुत ही आसान है, कि शक्तिमान अपने चक्र का यूज़ करके उस व्यक्ति का टाइम कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये काफ़ी देर के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए ही होता है,
क्योंकि शक्तिमान तब तक वहाँ पे पहुँच गया होता है। कहीं दूर भी जाना हो तो इससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास इससे भी अच्छी कोई थ्योरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो भी डायरेक्टर साहब ने आंसर दिया है वो सही था या नहीं, या जो हमने दिया है वो कितना सही था, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका इसके बारे में क्या सोचना है वो ज़रूर हमें बताइए, हम उसको देखना चाहते हैं। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए गुड लक। Back from the dead. Back from the dead.